वेलकम माय फ्रेंड्स, आज हम बताना जाएंगे आपको हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना, उसको किस तरह सॉल्यूशंस करना। नॉर्मली बेसिक डेमो वीडियोस हैं। नॉर्मली कुछ कस्टमर्स क्या करते हैं कि हार्ड डिस्क जब आती है, टिक टिक आवाज़ आ रही है, खोल डालते हैं। खोलने के बाद फ़ोन करते हैं कि सर मैंने हार्ड डिस्क खोल ली है, उसको कैसा रिपेयर किया जाए। नॉर्मली लॉजिकल देर इज़ अ डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ड डिस्क, सो वी विल एक्सपीच यू डिफरेंट डिफरेंट हार्ड डिस्क प्रॉब्लम्स। तो टुडे वी विल शो यू व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स इन द हार्ड डिस्क एंड हाउ टू व्हाट आर द रिलेटिव प्रॉब्लम्स आर देयर। तो टुडे देर इज इन द हार्ड डिस्क के अंदर नॉर्मली तीन चार के प्रॉब्लम्स आते हैं। एक तो लॉजिकल प्रॉब्लम्स जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं 80%। फिजिकल प्रॉब्लम्स में एक तो पीसीबी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं और एक मूविंग पार्ट्स जैसे हेड है, प्लेटर है, स्पिंडल मोटर जाम हो जा रही है, ये सब प्रॉब्लम्स मैकेनिकल फेलियर आती हैं नॉर्मली। और एक दूसरा अभी लेटेस्ट हार्ड डिस्क में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ रही है वो फर्मवेयर करप्शन या डैमेज हो जाते हैं। नॉर्मली जब हार्ड डिस्क बन के आती हैं तो एक सर्विस एरिया होता है जो नेगेटिव सिलेंडर्स पे होते हैं, -1, -2, -3 सिलेंडर्स पे होते हैं। वो क्या करते हैं कि वहाँ पर वो मैन्युफैक्चर के टाइम पे उनका जो सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो सब उसमें राइट कर देते हैं और कुछ पार्टिकुलर मॉड्यूल्स, रोम मॉड्यूल्स हैं, वो पीसीबी में राइट करके देते हैं, जिसमें मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, स्मार्ट, सर्वो इन्फो, ऑल डिटेल्स उसके अंदर होता है। वो अगर डैमेज होगी तो आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्शन में नहीं आएगी, उसको बोलते हैं फर्मवेयर करप्शन। अगर मूविंग आइटम्स जैसे कि प्लेटर है, स्पिंडल मोटर है, हेड स्टक है, VCM कोयल है, ये सब प्रॉब्लम्स मूविंग आइटम्स है, और PCB में TVS डायोड है, पावर फ्लक्चुएशन है, ये सब रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो PCB रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो इस तरह अलग अलग प्रॉब्लम्स आते ही है इसमें। तो जो भी हमारा प्रॉब्लम्स है उसको इसके हिसाब से आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो हियर हम जरा बेसिक आइडिया देंगे व्हाट आर द डाटा रिकवरी का प्रॉब्लम्स है। जैसे लॉजिकल प्रॉब्लम्स को वो बोलते हैं कि जो हार्ड डिस्क बायोस में डिटेक्ट कर दीजिए, डिवाइस मैनेजर में अभी साटा पोर्ट में लगा के डिवाइस मैनेजर में डिटेक्ट आ जा रही है, मॉडल नंबर बराबर बता रहा है, स्पेस बता रहा है, एवरीथिंग बराबर बता रहा है, लेकिन पार्टीशंस नहीं दिखा रहा है या फेलिंग बूट सेक्टर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिखा रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है, डाटा लॉस हो जा रहा है, फॉर्मेट कर दिया कस्टमर ने, ओवरराइट कर दिया है, और लो लेवल फॉर्मेट करना है, क्रॉस लिंकेड, ये सब प्रॉब्लम्स हमारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कितने यूज़र सॉफ्टवेयर तो यूज़ करते हैं लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट उसके पीछे पता नहीं होता, जैसे MBR क्या है, MFT फाइल क्या है, क्लस्टर, सेक्टर, ट्रैक, डाटा कैसा स्टोर होता है, डाटा कैसा निकलता है, कब डाटा निकलने का सिचुएशन कैसा है, उसका फाइल एलोकेशन टेबल क्या है, MBR में कैसा स्टोरेज होता है, वो सब डिटेल नहीं है। वन क्लिक सॉल्यूशंस देखते हैं, खाली सॉफ्टवेयर रन कर देते हैं, वो रिकवर कर देता है, ठीक है। फ्री स्पेस फाइल, MFT, NTFS में कैसा डाटा स्टोर होता है, 4K सेक्टर साइज़ क्या है, वो सब पहले बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है लॉजिकल सॉफ्टवेयर रन करना है। नॉर्मली अभी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं फ्री में और लाइसेंस वर्जन्स आते हैं जिससे आप रिकवरी करते हैं, कुछ फैट है, कुछ NTFS हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, वो सॉफ्टवेयर तो इजीली यूज़ कर लेते हैं। कि भी किसी सॉफ्टवेयर पूरा स्कैन करता है, कोई डीप स्कैन करता है, कोई ऊपर पर स्कैन करता है, कोई बैक सेक्टर को स्किप कर देता है, ऐसे सब सबका अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए व्हाट इज़ अ CHS, सिलेंडर हेड सेक्टर कैसा कैलकुलेशन करते हैं, लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग और सर्विस एरिया कितना है, कैसा स्पेस कैलकुलेट होता है, 256, 512 सेक्टर साइज़ क्या है, क्लस्टर साइज़ क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो ये एक तो लॉजिकल है, ये नॉर्मली ज़्यादातर कंप्यूटर इंजीनियर ये काम कर लेते हैं। लेकिन इसका अगर डिवाइस मैनेजर में डिटेक्शन नहीं हो तो क्या करना, तो उसमें दो ऑप्शंस हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक फेलियर है या फर्मवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, फिजिकल डैमेज है या इसका सॉफ्टवेयर डैमेज है, मॉड्यूल डैमेज है, ये कुछ भी डैमेज होता है। नॉर्मली अगर फिजिकल डैमेज होता है तो फिजिकल में एक तो PCB रिलेटेड प्रॉब्लम है, PCB में क्या प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल घूम ही नहीं रही है, या पावर कम हो रहा है, MOSFET है, स्विचिंग सेक्शन नहीं हो रहा है, बफर IC ख़राब है, कैश मेमोरी, फ्लैश IC, ये सब कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो लॉजिकल बोर्ड के रिलेटेड है। ये PCB रिपेयर करने के लिए जो हमारा D2 सेक्शन है उसके लिए पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ज़रूरी है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए ज़रूरी है कि आपको पूरा PCB के पूरे कंपोनेंट क्या काम कर रहे हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट उसका फंक्शन क्या है, कहाँ कितना वोल्टेज आना चाहिए, ये जानकारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और PCB का पार्ट हम समझाते हैं। दिस इज़ योर PCB रिलेटेड प्रॉब्लम्स।
वी कैन सॉर्ट आउट क्या प्रॉब्लम है, साटा में कंटिन्यूटी शॉर्ट ओपन क्लोज है, कितने कितने वोल्टेज आ रहे हैं, बीच में कैपेसिटर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए, वो सब नॉर्मल टीवीएस डायोड कैसे होते हैं, क्रिस्टल है, कोयल है, ये सब समझाया जाता है उसमें D2 मॉड्यूल्स में, जिसको बोलते हैं पीसीबी रिलेटेड प्रॉब्लम। नॉर्मली कुछ आर्टिस्ट में टीवीएस डायोड डैमेज होता है, आप बदल लेते हैं, चालू हो जाता है, ठीक है, लेकिन और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसको जानकारी लेनी चाहिए। दूसरा एक प्रॉब्लम होता है मैकेनिकल फेलियर प्रॉब्लम, जैसे मूविंग आइटम्स फेलियर है, जैसे कि हाइट क्रैश हो जाता है, स्पिंडल मोटर जाम हो जाती है, पार्किंग एरिया लॉक हो रिलीज़ नहीं कर पाता है, VCM कंट्रोलर का प्रॉब्लम है, प्री एम्पलीफायर IC का प्रॉब्लम है, अंदर फिल्टर डैमेज हो जाता है, कभी कभी स्क्रैचेस पड़ने लगते हैं, ये सब हमारा मैकेनिकल फेलियर है। इस मूविंग आइटम्स का बजट ज़्यादा होता है, इसके लिए हमको सेम डोनर पार्ट्स ढूंढना पड़ता है। एक डोनर पार्ट से काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो दो डोनर पार्ट्स भी लेने पड़ते हैं, डोनर हार्ड डिस्क, कभी दो डालने से बात भी नहीं होता, प्री एम्पलीफायर जॉक्स, ये सब बहुत लंबा प्रोसीजर्स है। एंड प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर, डोंट ओपन द हार्ड डिस्क विदाउट क्लीन रूम और टूल्स। फिजिक लॉजिक बोर्ड तो यू कैन रिपेयर, नो प्रॉब्लम, लॉजिक बोर्ड तो आप रिपेयर कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हार्ड डिस्क खोलनी नहीं है अगर डाटा इंपॉर्टेंट है तो। आपके पास टूल्स या क्लीन रूम चैम्बर्स या ऐसा कोई भी चीज़ टूल्स नहीं है तो प्लीज़ डोंट ओपन द हार्ड डिस्क। अगर हार्ड डिस्क खोल ली तो डाटा आना बहुत मुश्किल है, उसमें इतना बारीक बारीक कचरा होता है कि आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, ये हमारा बेसिक PCB रिलेटेड प्रॉब्लम है। PCB में क्या क्या रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो देख सकते हैं। तो PCB में हमारा टोटली डेड होगा, हार्ड डिस्क स्पिन नहीं हो रही है, हार्ड डिस्क कनेक्ट टू कंप्यूटर, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, जैसे 5 वाट 12 वाट कुछ भी शॉर्टिंग है, पावर कनेक्शन ब्रोकन है, डाटा कनेक्शन ब्रोकन है, ये सब रिलेटेड प्रॉब्लम है। जो पावर सप्लाई नहीं हो रहा है, फर्मवेयर, रोम डैमेज, PCB डैमेज, ये सब नॉर्मली फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक PCB रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। जहाँ पर बिल्कुल स्पिन नहीं हो रही है, डिटेक्शन नहीं आ रही, ये सब प्रॉब्लम्स है। दूसरा हमारा PCB रिलेटेड प्रॉब्लम्स में देखो, बर्निंग स्मेल है तो 95% है, बर्निंग कंपोनेंट्स है तो 95% PCB डैमेज है, ये सब नॉर्मली PCB रिलेटेड के सिम्टम्स हैं। अब मूविंग आइटम्स में अंदर आप देखेंगे तो एक हेड होगा, एक पार्किंग एरिया होगा, एक मैग्नेट होगा, एक वॉइस कॉइल होगा, हेड कॉम होगा, और ये मूविंग पार्ट्स हैं। अगर आप इसको विदाउट क्लीन रूम या विदाउट टूल्स और विदाउट डिवाइस सिर्फ खोल के देख के बंद भी कर देंगे तो इसमें इतना कचरा आता है कि हेड के बीच में वो मिक्स होता है, आदमी का बाल भी उसके अंदर से पास नहीं होता, इतना डिस्टेंस होता है प्लेटर के अंदर, आप अपनी आँख से वो कचरा देख नहीं पाएंगे, उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बारीक बारीक कचरा जैसा खोला विदाउट क्लीन रूम अंदर गिर जाता है, जिससे वो हेड डैमेज करता है और प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता है। अगर आप कस्टमर्स ने किसी ने हार्ड डिस्क खोल के हमारे पास लाएं और हम उसको रिकवरी करके हेड चेंज भी करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंदर डस्ट पहले से मौजूद होता है, इतना बारीक डस्ट होगा कि आप उसको नेकेड आई से देख नहीं पाएंगे। यहाँ पर प्लेटर और हेड के बीच में बहुत बारीक गैप होता है, माइक्रो माइक्रो होता है, इसलिए आपको उसको विदाउट क्लीन रूम या टूल्स के बगैर आपको खोलना नहीं है। मैकेनिकल फेलियर में क्लिकिंग हार्ड ड्राइव है, ड्राइव स्पिन नहीं हो रही है, हेड क्रैश है, डैमेज प्लेटर है, एक्टिवेटर, ये सब प्रॉब्लम्स हमारे मैकेनिकल फेलियर आते हैं। और एक होता है हमारा फर्मवेयर करप्शन डैमेज। हार्ड डिस्क फर्मवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर कोड दैट कंट्रोल्स एंड एम्बेडेड द फिजिकल ड्राइव। तो फर्मवेयर के रिलेटेड क्या होता है, तो वही मैंने बताया आपको, हेड जीरो और हेड वन में एक सर्विस, मतलब हार्ड डिस्क का एक फर्मवेयर होता है जिसको बोलते हैं, जैसे हमारे डेस्कटॉप मदरबोर्ड और लैपटॉप मदरबोर्ड में बायोस होता है, इसी तरह हार्ड डिस्क के अंदर भी एक सर्विस एरिया होता है, जहाँ पर हमारा कंपनी मैन्युफैक्चर के टाइम पे यहाँ पर कुछ डाटा डाल के देता है और ये एरिया हमारा फ्री रहता है, उसको फिजिकल और लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग बोलते हैं। तो सर्विस ट्रैक में क्या होगा, 0 से -1 -2 -8 ऐसा सर्विस ट्रैक होगा, और ये जो स्पेस है वो यूजर्स एरिया है। तो इसमें दो टाइप के फॉर्मवेयर होते हैं, एक पार्ट वन होता है जो रोम के अंदर होता है, और पार्ट टू हमारे हार्ड डिस्क के अंदर सर्विस एरिया में 0 और 1। 0 मेन फॉर्मवेयर होता है और 1 में उसका बैकअप होता है। ये फॉर्मवेयर एक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादातर अभी नई हार्ड डिस्क में स्मार्ट एरर है, जीलिस है, 3.68 है, प्लस एक हेड खराब है, दो हेड बाकी हैं तो एक को डिसेबल करके 3 को रिकवरी करना है, ये सब इसमें फॉर्मवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। फॉर्मवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जैसे हेड स्टिकिंग, शो अप रॉन्ग सीरियल नंबर, रॉन्ग मॉडल नंबर, हार्ड डिस्क स्पिनिंग बट नॉट स्विंगिंग, बाउस, पासवर्ड, जीलिस, ये सब का हमारा क्लीन कर सकते हैं। 3.8 नॉट फॉर्मेट, सीम एरर,
सीगेट में सेम एरर आती है, बहुत सारे और एलईडी एरर है, सीसी एरर है, बहुत सारे एरर्स आती हैं, ये फर्मवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फर्मवेयर में हमारे कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, सबसे बेस्ट आता है तो ACE Lab PC3000 आता है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, लोग उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं फर्स्ट टाइम पे। उसमें थोड़ा यूज़ करना हार्ड भी है और उसका सपोर्ट भी कॉस्टली होता है। तो पहला ऑप्शन तो ACE Lab PC3000 है। सेकेंड है MRT Lab है, जिसमें इंस्टॉलमेंट बेस है, तो इंस्टॉलमेंट में यूज़र्स को ईजी होता है फर्मवेयर टूल्स लेने के लिए। थर्ड है डॉल्फिन है, ये सेल्वेशन तो बहुत ओल्ड हो गया, अभी उसका सपोर्ट थोड़ा कम है, अभी कुछ नए टूल्स आए हैं उनके, वो देखना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है SADIV, ये इसमें हार्डवेयर टूल्स की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये तीनों में हार्डवेयर टूल्स सही हैं। SADIV, WD Marvel, ये दोनों में हार्डवेयर टूल्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें रिपेयर है, डाटा एक्सट्रैक्टर नहीं है। यहाँ पर डाटा एक्सट्रैक्टर भी होता है, MRT, डॉल्फिन और ACE में डाटा एक्सट्रैक्टर भी होता है, इसमें सिर्फ रिपेयर ऑप्शन होते हैं। दूसरा अटोला, ये सब नॉर्मली फ्री सॉफ्टवेयर भी थोड़े आते हैं, उसको भी आप यूज़ करके बेसिक काम कर सकते हैं, 30-40% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक हार्ड डिस्क प्रॉब्लम्स, हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द प्रॉब्लम। तो नॉर्मली देर इज़ अ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, लॉजिकल मीन्स सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इफ एवरीथिंग इज ओके, हार्डवेयर एंड फर्मवेयर इज ओके, देन यू कैन रिकवर विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल। सेकेंड इज़ अ PCB रिलेटेड प्रॉब्लम, इफ PCB इज डैमेज, बर्न और शॉर्ट और समथिंग, यू कैन रिपेयर एंड रिकवर द डाटा, दैट इज़ अ चीपर वन वर्क। बट द फिजिकल डैमेज इज बजट मोर देन 10,000 अबव इंडियन रुपीज, मे बी 20,000, मे बी 30,000, डिपेंड ऑन द हार्ड डिस्क। फॉर फिजिकल रिकवरी वी हैव टू मेक अ लॉट्स ऑफ डोनर हार्ड डिस्क, सेम वर्किंग हार्ड डिस्क, मैचिंग मॉडल नंबर, सीरियल पार्ट नंबर, वी हैव टू मैच द मॉडल नंबर, फर्मवेयर, साइट कोड, MLC, DCM, समथिंग वी हैव टू मैच। एंड इफ़ यू डोंट गेट द PCB ऑल्सो, वी कैन नॉट रिपेयर द PCB, द MCU इज डैमेज, देन वी हैव टू रिप्लेस द सेम डोनर PCB विद द हेल्प ऑफ PCB नंबर। द PCB एंड हेड रिप्लेसमेंट, टू आइटम्स। बिफोर गोइंग एनी हेड रिप्लेसमेंट और समथिंग, यू हैव टू चेक विद द फर्मवेयर टूल्स, दैट फर्मवेयर वी विल चेक द हेड इज ओके और नॉट ओके लाइक दैट। तो फर्मवेयर, इफ वी कन्फर्म इन द फर्मवेयर दैट द हेड इज ओनली डैमेज, देन वी हैव टू रिप्लेस द हेड। सो दैट इज अ डिविजन, वी हैव अ D1, दैट इज अ लॉजिकल, D2 इज अ PCB रिपेयरिंग कॉन्सेप्ट, D3 इज अ फिजिकल रिकवरी कॉन्सेप्ट, D4 इज अ फर्मवेयर बेसिक, एंड D5 एंड D6 आर द फर्मवेयर एडवांस मॉड्यूल्स। तो दिस हेयर वी हैव अ सिलेबस वी हैव मेक इन द डाटा रिकवरी, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम यू कैन सॉर्ट आउट आउट। मैनी यूजर्स हैव टू मैनी परचेज MRT और ACE और PC3000, बट दे डोंट यूज़ हाउ टू यूज़ इट। लाइक इन अ फर्मवेयर ओनली देर इज़ अ टू मैनी ऑप्शंस आर देर। इन अ WD फर्मवेयर देर इज़ अ रोम फाइल एंड रोम मॉड्यूल्स। रोम मॉड्यूल्स देर इज़ अ डिफरेंट 5 मॉड फाइल्स। इन सर्विस एरिया देर इज डिफरेंट मॉड्यूल। Nowadays इन द हार्ड डिस्क देर इज़ अ फर्मवेयर प्रॉब्लम्स आर मोर। So when we swap the PCB also, we have to swap the firmware IC also and some modules also like that. So that for that you have to be a perfect data recovery. So you have to do the some course. Logical you can do, no problem. But the physical, before opening you must take a training. If you want a firmware repair tools also, you take some training or you understand the manuals or something. If you don't want to, you don't see the modules, then take some special training. So how to use, what are the module, what is the function of module, which module editing and everything we can show you here. So this is a basic data recovery options are there. This is for HDD, SSD or memory card and pen drive, there is a different options are there that we will cover on next. Okay, thank you. This is Abdullah Khan, especially for data recovery options. Too many students are calling us from the YouTube that these problems are there, I open the hard disk. So don't open the hard disk without clean room or tools. Okay, thank you.